बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर थोड़े सामने एक कंडक्टर गिवन है बेटा है एक कंडक्टर है स्फेरिकल कंडक्टर है ठीक है और ओ इसका सेंटर है आर इसका रेडियस है और एक सॉलिड कंडक्टर है तो सारा सॉलिड कंडक्टर इस कंडक्टर नो अगर अपना चार्ज सप्लाई कीता क्यू तो वो चार्ज आउटर सरफेस से ही होएगा मतलब आउटर सरफेस से टोटल चार्ज क्यू होएगा और क्योंकि जितना मैं थानू दस के हटिया स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब है आउटर सरफेस से हर पॉइंट का रेडियस ऑफ करवेचर रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर है तो हर पॉइंट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होएगी तो सिग्मा बराबर होएगा और अगर सिग्मा बराबर है तो आप ये भी गल तो की सी कि चार्ज कंडक्टर के आउटर सरफेस से इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है ते मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता तो इसका मतलब आ जो पॉइंट है पी पॉइंट तो इतने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन किधर तो होएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉर्मल टू द सरफेस और जो पॉइंट स्फीयर के ऊपर है वह नॉर्मल मतलब अलोंग द रेडियस तो इस तरीके दे नाल तुसी गल नूं समझिया तो इह बेटा तुहाडे सामने सॉलिड कंडक्टर है हुण मैं इस गल ऐड करन लगा देखियो देखो बेटा आ साडे कोल है एक सॉलिड कंडक्टर है पर इहदे अंदर कैविटी है मतलब जिहड़ा स्फेरिकल कंडक्टर है वो सिर्फ इतना ही नहीं इतना ही अच्छा हुण बेटा आ जिहड़ी कैविटी है ध्यान नाल गल समझियो पुत डिस्टिंग्विश करियो कॉम्पिटिशन लई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आ जिहड़ी कैविटी है एक खाली है इसमें कुछ भी नहीं है खाली ठीक और आज जरा सॉलिड कंडक्टर है इसके कोल चार्ज क्यू है तो वो चार्ज इतने आ गया इतने आ तो आज जरा कंडक्टर विद कैविटी है कैविटी कुछ नहीं है कोई चार्ज नहीं है तो इस कंडक्टर का चार्ज आउटर सरफेस से ही होएगा क्यू तो कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहना ही है क्योंकि कैविटी भी पूरी तरह नाल खाली है तो इतने भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होएगा पहले तो ये नोट करो ये थोड़ा एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिहदे सेंटर ते स्फेरिकल कैविटी है और ये जिहड़ी कैविटी है ये अंदरों खाली है तो कंडक्टर कोल जिहड़ा चार्ज है वो आउटर सरफेस ते ही है तो कंडक्टर दे अंदर भी इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो है ते कैविटी च भी इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो है हुण बेटा सेकेंड सिचुएशन तू समझियो हुण सेकेंड सिचुएशन है
स्फेरिकल कंडक्टर है, आर कैविटी है, तो आर का सॉलिड कंडक्टर ही है ना वाला, क्योंकि आर कंडक्टर है पोर्शन। तो इतने का हर हालत हर कंडीशन च इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहना, ठीक। हुण ओ की कहंदा, हुण इस कंडक्टर कोल कोई चार्ज नहीं है, इस कंडक्टर कोल कोई चार्ज नहीं है, वो कहंदा कि इस कंडक्टर दी कैविटी दे सेंटर ते चार्ज रखता प्लस क्यू। अच्छा, हुण होएगा की बेटा, हुण जदों भी कंडक्टर दे कोल चार्ज रखिया जाएगा है ना बार या कैविटी दे अंदर, तो एक गल याद रखो कि किसी भी कंडक्टर दे अंदर नेट चार्ज की रहना जीरो। तो हाडे कोल आ एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर दी एक कैविटी है ना, और इस कैविटी दे सेंटर दे चार्ज रख दिता गया, ते कंडक्टर दे कोल अपना कोई चार्ज नहीं है। हुण गल नूं समझो पुत्तर, अगर तुसी कंडक्टर दे अंदर एक क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करो, आ ड्रॉ कीता, ता इस क्लोज सरफेस दे अंदर नेट चार्ज की होना चाहिदा जीरो। पर जदों तुसी इस ब्लू कलर दे क्लोज्ड सरफेस नूं देखदे आ, ता थानू चार्ज नजर आ रहा प्लस क्यू, जबकि कंडीशन दे अकॉर्डिंगली नेट चार्ज विद इन द कंडक्टर जीरो होना चाहिदा। वो कितना हो सकता कि जेकर इस चार्ज दे कारण इस कंडक्टर दे अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो जाए, और की होए कि आज का नेट पॉजिटिव चार्ज है, इधर करके आज भी कैविटी है इधर अंदरले सरफेस पे इंड्यूस्ड चार्जेस पैदा हो जाए, मतलब आप पॉजिटिव चार्ज करके इस कंडक्टर दे अंदर जो तो चार्जेस ने रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी, ता नेगेटिव चार्जेस कैविटी दे इनर सरफेस पे आ जाए, और ये जितने भी लाल रंग के नेगेटिव चार्जेस मैं शो किए हैं इनका का टोटल कितना होना चाहिए माइनस क्यू। और जब ये माइनस क्यू होएगा तो हुण इस ब्लू कलर दे क्लोज सरफेस दे अंदर नेट चार्ज की हो गया जीरो, कंडीशन फुलफिल हो गई। अच्छा, पर बेटा होया की, देखो आज का कंडक्टर सी थोड़ा ए इलेक्ट्रिकली की सी न्यूट्रल, तो जदो इधे अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हुई, ता अगर ये लाल रंग दे माइनस क्यू चार्जेस कैविटी दे इनर सरफेस ते आ गए, ता इधा मतलब फिर इधे पॉजिटिव चार्जेस आउटर सरफेस वाले ट्रांसफर होने चाहिए, और इना पॉजिटिव चार्जेस दी वैल्यू कितनी होनी चाहिए है, रेड कलर दे नेगेटिव चार्जेस दे इक्वल बट ऑपोजिट, तो प्लस क्यू। मनो दे नाल देखो कि इस आ कंडक्टर है वाला कंडक्टर, इस कंडक्टर को नेट चार्ज प्लस क्यू और रेड वाला माइनस क्यू मिला के जीरो ही है ना, पर टोटल चार्ज विद इन द कंडक्टर जीरो कितना हो सकता जेकर कैविटी वाला चार्ज ते अंदर दे इंड्यूस्ड चार्जेस इक्वल बट ऑपोजिट हो जाए। तो ये दो तीन कंडीशंस कितना फुलफिल होनी है पुत्र, उना नु साइमल्टेनियसली फुलफिल की करना कि अगर थोड़े सामने किसी भी कंडक्टर दे अंदर कैविटी च कोई चार्ज है, तो उस चार्ज ने कैविटी दे इनर सरफेसेस ते कितना इंड्यूस्ड चार्ज पैदा कर लेना अपने इक्वल बट ऑपोजिट। अच्छा, और जिन्ना चार्ज इनर सरफेस से पैदा होना ना कैविटी दे इंड्यूस चार्ज, तो उदा ही ऑपोजिट
चार्ज आउटर सरफेस वाल भी शिफ्ट होना वा, तो क्योंकि इंडक्शन इफेक्ट इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस दी डिस्प्लेसमेंट होंगी है ना, ये याद रखना। तो इसका मतलब की हो गया, आप लोग गल को समझो कि अगर थोड़े को सिंपली एक कंडक्टर है अनचार्ज्ड है और उसके सेंटर पे कैविटी है और कैविटी के अंदर अगर कोई चार्ज रखा जाए तो जिदा ही कैविटी चार्ज आएगा तो कैविटी के इनर सरफेस से भी इंड्यूस्ड चार्जिस ऑपोजिट नेचर के पैदा हो जाने हैं और आउटर सरफेस से जिन्ना कैविटी के इनर सरफेस से नैगेटिव चार्ज पैदा होना ऑपोजिट नेचर का उन्ना ही वो कैविटी के इनर सरफेस के ऑपोजिट चार्ज आउटर सरफेस से ट्रांसफर हो जाए। तो हूँ बेटा आज ये दो चार्जिज है प्लस क्यू माइनस क्यू इन करके कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होना, कंडक्टर जीरो ही रहना और बाहर भी जीरो नहीं। बाहर भी जीरो नहीं होना, अंदर कैविटी चार्ज दे होने करके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रहना पर कंडक्टर दे अंदर वाले सॉलिड पोर्शन च इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहना। ये डायग्राम ड्रॉ करो। अर्शिया गुलाटी गल समय लगी है पुत, अर्शिया गर्ग, अंकुर, मानसी, लक्ष्य, मोहनदीप, समोहन, दोबारा देखो बेटा ध्यान दियो, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं दस रहा आप उत्तर थोड़े को है एक स्फेरिकल कंडक्टर आ बेटा कैविटी है और वो मानो आ सॉलिड कंडक्टर है और ये सॉलिड कंडक्टर आ पोर्शन सॉलिड कंडक्टर होने करके इतने तो ई जीरो ही रहना ना हर हालत ते मानो कहता भी इस कंडक्टर को चार्ज है क्यू, कंडक्टर को चार्ज क्यू है पॉजिटिव चार्ज तो वो चार्ज इतने डिस्ट्रीब्यूट हो गया हो गया। आ सिचुएशन स्टार्टिंग दे वो पता की कहता कहता असि की कीता इस कैविटी दे सेंटर ते ले जाके माइनस क्यू चार्ज रखता जिद्दां ही इत्थे सेंटर च कैविटी दे माइनस क्यू रखिया तां कंडक्टर दे अंदर नेट चार्ज नूं जीरो करन दे लई है ना तो इनर सरफेस ऑफ कैविटी ते प्लस चार्जेस इंड्यूस हो जाने हैं और ये जिहड़े प्लस इंड्यूस्ड हुए इन्हां दा टोटल कितना होना चाहिदा माइनस क्यू दे इक्वल बट ऑपोजिट पर नाल दी नाल जिन्ना चार्ज इत्थे इंड्यूस्ड होया तो उहदा ऑपोजिट चार्ज माइनस क्यू बार भी इंड्यूस होना इहदा मतलब की होया जिद्दां ही कैविटी च तुसी माइनस क्यू चार्ज रख्या तां इस कंडक्टर दे आउटर सरफेस दे टोटल चार्ज कितना हो गया कैपिटल क्यू इहदा अपना सी ते माइनस क्यू इंड्यूस्ड आउटर सरफेस दे हो गया तो हुण बाहरला चार्ज कितना हो गया एन ते जे हुण कोई पुछे कि आउटर सरफेस दी चार्ज डेंसिटी कटो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना कटोगे q माइनस q डिवाइडेड बाय 4 पाई रेडियस स्क्वायर
अच्छा हुण क्योंकि आ चार्ज सेंटर दे आ वो तो आ सरफेस दे अंदर तो इथे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होना और इस चार्ज करके भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होना ये नोट कर लो फिर बेटा नोट करो लिसन लिसन आ जेड़ा बेटा माइनस क्यू चार्ज है कैविटी दे सेंटर दे लाई कर रहा है तो इस कैविटी दी शेप स्फेरिकल है तो आ जेड़ा माइनस क्यू चार्ज है ब्लू कलर दा ए है इंड्यूसिंग चार्ज ते आ जेड़ा रेड कलर दा प्लस क्यू चार्ज है ये है इंड्यूस्ड चार्ज क्योंकि इंड्यूसिंग चार्ज स्फेरिकल कैविटी दे सेंटर ते है तो इस करके जेड़ा इंड्यूस्ड चार्ज है ना रेड कलर दा जेड़ा इनर सरफेस ऑफ कैविटी ते पैदा होया ओदी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होएगी ओदी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होएगी समझ गए अच्छा पर अगर बेटा आ वाला चार्ज थोड़ा जहा साइड पे हो गए थे मतलब जेड़ा इंड्यूसिंग चार्ज है ब्लू कलर का नजर आ रहा माइनस क्यू अगर वो स्फेरिकल कैविटी दे सेंटर दे है तब उदी करके जेड़ी इनर सरफेस ऑफ कैविटी दे चार्ज पैदा होने वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होनी पर जे यही चार्ज कैविटी दे सेंटर दे नहीं है एक साइड वाल ज्यादा वा नेड़े है ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਕੁਅਲ ਬਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਮੀਨਸ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜੇ कैविटी का चार्ज सेंटर दे है ता आ जेड़ा कैविटी दे इनर सरफेस वाला चार्ज है इदी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और आ भी यूनिफॉर्म है पर जे आ वाला चार्ज सेंटर दे नहीं है ता आ जेड़े रेड कलर दे चार्जेस है इना दी डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जानी पर आ वाली डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ही रहनी एक स्फेरिकल सरफेस पे होने करके यूनिफॉर्म ही रहनी है ये ध्यान से रखना अच्छा दोबारा देखो हुन इसे गल नु मैं दोबारा एक अलग एंगल तो प्रेजेंट कर रहे हैं इनको समझियो वो तो कंपटीशन लिए बड़ा इंपॉर्टेंट केस है आ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਇਸ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕੈਵਿਟੀ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਕਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਚਾਰਜ ਪਲੱਸ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल शेप होने करके और अगर बेटा इंड्यूसिंग चार्ज कैविटी के सेंटर पे प्लस क्यू है तो हुण कैविटी के इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज पैदा होना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होनी है ठीक है तो वो आप शुरू इसका शो कर देने हैं माइनस 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 माइनस
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो कर देनी आप पॉजिटिव तो नेगेटिव वाले। और आ जरा चार्ज नेगेटिव पैदा होया वो माइनस क्यू है ते बाहर जरा चार्ज ट्रांसफर हो जाना प्लस प्लस क्यू। और क्योंकि बाहर की शेप स्फेरिकल है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड ही रहना। स्फेरिकल कंडक्टर दे बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड रहना डिपेंड करेगा कि सरफेस का चार्ज पॉजिटिव है बाहर ले जाके नेगेटिव। अच्छा जेड़ा अंदर दा फील्ड है वो डिपेंड करेगा कि अंदर कैविटी दे चार्ज है कि नहीं है। जे है ता उदे करके इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होएगा, जे अंदर कैविटी चार्ज नहीं है फिर नहीं होएगा। और अगर कैविटी दा चार्ज कैविटी दे सेंटर दे है ता फिर रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड ही होएगा अंदर दा भी, तो अंदर दा इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल होएगा। पर अगर बेटा आ वाला चार्ज थोड़ा जहा साइड दे है जितना इतने है सेंटर दे नहीं है थोड़ा साइड दे है उन्हें नाल की होएगा कि आ जितना इंटरफेस है इतने नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्जेस दी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जानी और इतने थोड़ी काट होगी तो भी आ दूर है साइड और उधर नाल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर कर्व हो जानी हम तो ये रेडियल नहीं रह जानी है, ये रेडियल नहीं रह जानी है। हाँ एक नाला ख्याल रखना भी इन्होंने आ एंगल हमेशा 90 डिग्री बनाना, आ एंगल हमेशा 90 बनाना क्योंकि ये आपा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से दसया सी कि कोई भी जड़ी फील्ड लाइन कंडक्टिंग सरफेस ते आके खत्म हुंदी है या शुरू हुंदी है वो हमेशा कंडक्टिंग सरफेस दे परपेंडिकुलर होए। तो ये पॉइंट्स है बेटा जेडे तुसी याद रखने हैं अबाउट दिस बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इत्थे तक गल समझ आई है अज्ज मानसी।